मेरा नाम रंजन है। तो पिछले 119 दिनों से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डे वन से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें रिलोकेट किया जाए, क्योंकि जो हालात वहाँ पे बने पिछले 2021 से, अक्टूबर 2021 से, वो किसी भी नेशनलिस्ट फोर्स के लिए वहाँ पे ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से चुन चुन के एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया गया वहाँ पे, चाहे उसमें हमारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हो, या जम्मू की डोगरा बहन हमारी रजनी बालाजी हो, या राजस्थान का विजय कुमार जी हो, वो चुन चुन के जो एक आइडेंटिटी है हमारी हिंदूज की, उसको मिटाने की ये साजिश है। और चुन चुन के ये हिंदुओं को जब ये निशाना बनाते हैं, ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो फेल हो चुकी है। इस नेशनलिस्ट फोर्सेस को कश्मीर में जो काम करने के लिए एक ही पर्पज़ है हमारा, हम काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी जब हमें वर्किंग प्लेसेस पे टारगेट किया जाएगा, तो इन हालातों में हम वहाँ पर नहीं जा सकते। और जिस प्रकार से आए दिन कुछ DDOs जो हम पहले डे वन से कहते आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है, इसके अंदर कश्मीर ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पेंटरिज्म चलाना बंद नहीं किया अभी, वो पेंटरिज्म वो बरकरार उन्होंने बनाए रखा हुआ है। और पिछले 12 साल में कई एम्प्लॉयज ने इसी पेंटरिज्म के चलते वहाँ पर रिजाइन दे दिया। और आज अगर आप देखेंगे रिसेंट ऑर्डर जो ये SI स्टेट टैक्स वालों का निकाला, जो एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स कश्मीर है, तो उस ऑर्डर की आप लैंग्वेज देखिए, वो डायरेक्ट थ्रेटनिंग है, हरासमेंट है उस एम्प्लॉयज के लिए जो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तरस रहा है। और ऐसे आए दिन ऐसे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, तो वो तो मजबूर हो जाएंगे नौकरी छोड़ने के लिए। और वो अफसर, वो पेंटरिज्म चलाने वाले अफसर भी यही चाहते हैं कि ये हिंदू कब यहाँ से रिजाइन करके जाए, ताकि वहाँ पे उनके वो रिश्तेदार ये सब पोस्ट हड़प करके चले जाए। देखिए डिमांड एक ही है, ऐसे अफसरों के ऊपर नकेल कसी जाए जो अभी भी पेंटरिज्म चलाना बंद नहीं कर रहे, और जो रिलोकेशन की मांग है उसको जल्द से जल्द माना जाए। और जो बातचीत है, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, वो उन्होंने बीच में ही बंद किया, क्योंकि हम मानते हैं जब तक सरकार और एम्प्लॉयज के बीच में डायलॉग प्रोसेस नहीं हो शुरू होगी, तब तक इस बात का सलूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारा एक नोडल अफसर भी नियुक्त किया गया जब राहुल जी की किलिंग हो गई, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है एम्प्लॉयज हैं और वो नोडल अफसर राजभवन की हवाएं ले रहे हैं, वहाँ की हवाएं ले रहे हैं, न वो फोन पिकअप करते हैं, न वो कॉल पिकअप करते हैं, न वो किसी मैसेज का जवाब देते हैं। तो ऐसा अगर आइडियल रवैया नोडल अफसर का है, तो ये एम्प्लॉय आखिरकार बात किसके साथ फिर क्या करेंगे।